I am nutrition counselor and direct seller Mr. Alim. Why nutrition? Nutrition हमारे शरीर के लिए क्यों जरूरी है? Nutrition पोषक तत्व ये हमारे शरीर के लिए बेहद जरूरी है क्योंकि हमारी बॉडी की जो ताकत है हमारी बॉडी की जो कार्यक्रिया प्रणाली है ये मुख्यतः इन पोषक तत्वों पे ही डिपेंड करती है। हमारे शरीर को RDA और WHO के अनुसार रोज़ाना पानी कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन मिनरल्स विटामिन्स फाइबर उचित मात्रा में लेना बेहद जरूरी है। मगर हम देखते हैं कि ज़्यादातर भारतीय आहार हमारा जो खान पान का जो तरीका है उस खान पान के तरीके में ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट का सेवन होता है। ये कार्बोहाइड्रेट का ज़्यादातर सेवन होने के बहुत सारे दुष्परिणाम हमारे शरीर पे होते हैं। इस दुष्परिणाम से बचने के लिए हमें उचित पोषक तत्वों का सेवन करना जरूरी है। पोषक तत्व क्या है? न्यूट्रिशन साइंटिस्ट ने हमारे खाद्य पदार्थ और पौधों से उचित सही टेक्नोलॉजी के जरिए उस पोषक तत्वों को एक्सट्रैक्ट करके हमें टैबलेट कैप्सूल या पाउडर फॉर्म में देते हैं। ये चुनिंदा पौधों और हमारे खाद्य पदार्थों का एक्सट्रैक्ट होता है और वो इजीली डाइजेस्टेबल फॉर्म में होता है। हमारी बॉडी उसको बड़ी आसानी से अवशोषित कर सकती है। इसलिए पोषक तत्व हमारे शरीर की ज़रूरत है ना कि मेडिसिन। हमारा शरीर इस 5 पोषक तत्वों से ही बना हुआ होता है। आज दिन ब दिन रासायनिक खादों का और पेस्टिसाइड्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होने से हमारे आहार से हमारे अन्न धान्य से खाद्य पदार्थों से पोषक तत्वों की कमी हानि हो रही है। इससे हमें सप्लीमेंट लेना बेहद जरूरी है। हमारी पोषक तत्वों की कमी पूरी करने के लिए हमें सप्लीमेंट लेना बेहद जरूरी है। पानी का शुद्ध होना बेहद जरूरी है। कार्बोहाइड्रेट हम ज़्यादातर हमारे भोजन में होते हैं, इसे कम मात्रा में और सही कार्बोहाइड्रेट का सेवन करना बेहद जरूरी है। फैट हमारे तेलीय पदार्थ और जो भी नट्स होते हैं इनके अंदर तेलीय पदार्थ होते हैं और हम जो तेल इस्तेमाल करते हैं उससे हमें ये फैट्स मिलते हैं और ज़्यादातर फैट दिन ब दिन हमारे सेवन के अंदर बढ़ता जा रहा है। इसके भी बहुत सारे दुष्प्रभाव हमारे शरीर पे हो रहे हैं। और प्रोटीन मिनरल्स विटामिन्स एंड फाइबर ये हमारे डाइट के अंदर इसका लैक होता है, इसके पूर्ति के लिए हमें सप्लीमेंट लेना बेहद ज़रूरी है। हमें प्रोटीन के पूर्ति के लिए रोज़ाना
हमारे शरीर के वजन के हिसाब से 1 kg 1 gram प्रोटीन लेना बेहद ज़रूरी है। प्रोटीन हमारे सारे जिस्म का रखरखाव का काम करता है, और जो एनर्जी है, मसल्स है, उसको बनाए रखने का भी काम प्रोटीन करता है। प्रोटीन बेहद ज़रूरी है, बॉडी की सारी कार्य प्रणाली प्रोटीन पे ही डिपेंड होती है, इसलिए प्रोटीन का लेना बहुत ज़रूरी है। हम जिन अन्य पदार्थों से प्रोटीन को हासिल करते हैं, उसको हासिल करने के लिए हमें डेली बहुत सारी चीज़ें, 60 ग्राम प्रोटीन हासिल करने के लिए हमें 10 से 12 ग्लास दूध पीना पड़ेगा, 10 से 15 रोटी खाना पड़ेगी, और 10 से 12 कटोरी दाल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, 250 ग्राम बादाम खाना पड़ेगा। ये खाना है, हम खाएंगे, मगर इसको पचाना भी बहुत ज़रूरी है। खाना है, उसे पचाना है, तभी हमें उस पोषक तत्व को हम हासिल कर सकते हैं। ये बहुत सारा क्रिटिकल है, इसलिए जो साइंटिस्ट है, न्यूट्रिशन साइंस है, इसने हमें वो पोषक तत्व डाइजेस्टेबल फॉर्म में देने का काम किया है। तो हम इस साइंस को सल्यूट करते हैं, और हमें बड़े आसानी से इन पोषक तत्वों को हमारे खाद्य पदार्थों और पौधों के जरिए से डाइजेस्टेड फॉर्म में हासिल कर सकते हैं। इसीलिए न्यूट्रीचार्ज एक बेहतरीन विकल्प है। न्यूट्रीचार्ज मैन एंड न्यूट्रीचार्ज कोकोवा प्रोडक्ट एक बेहतरीन विकल्प है हमारे प्रोटीन और डेली विटामिन्स मिनरल्स की पूर्ति के लिए। तो इसे हम अपना के अपने दैनिक आहार को संतुलित कर सकते हैं। क्या न्यूट्रिशन सप्लीमेंट हमारे लिए ज़रूरी है? हमारे भोजन का 70% रोल है और 30% व्यायाम का रोल होता है। ये पोषण हमें रोज़ाना के भोजन से मिलता है। जो हम खाते हैं, क्या वो भोजन हमारे शरीर की ज़रूरत पूरा करता है? भूख लगने पर हम जीभ की पसंद का खाना खा लेते हैं, जो अक्सर फैट और कार्बोहाइड्रेट से भरा होता है। बार बार बीमार पड़ना, ये हमारी इम्यून सिस्टम की कमजोरी और विटामिन की कमी के वजह से होता है। उम्र के साथ इसी भोजन से पोषक तत्वों को ग्रहण करने की क्षमता घटती जाती है। उन पोषक तत्वों का शरीर में अवशोषण करवाना बेहद ज़रूरी है। जो हम खाते हैं, उसका डाइजेशन होना बेहद ज़रूरी है। रोज़ाना सातों पोषक तत्वों का सही मात्रा में सेवन करना